तो दोस्तों इमेजिन करो तुम एक ऐसे वर्ल्ड में पैदा होते हो जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है। यहाँ पे हर एक इंसान अपना सारा काम मैजिक से करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो काम कितना ही छोटा है फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट, बट द प्लॉट ट्विस्ट इज हियर। तुम पैदा हुए हो बिना किसी मैजिक पावर के, तुम्हारे पास बिल्कुल ही मैजिक पावर नहीं है, तो अपनी लाइफ पे कभी भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और इतना ही नहीं, तुम अपना गोल सेट करते हो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट यानी कि द विजर्ड किंग बनना। बट द क्वेश्चन इज कि तुम अपने इस गोल को पूरा कैसे करोगे जबकि तुम्हारे पास तो मैजिक पावर ही नहीं है, तुम कोई मैजिक स्पेल का यूज कर ही नहीं सकते हो, तो आखिर तुम विजर्ड किंग बनोगे कैसे। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ माय डोजुमा की YouTube चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर एनिमे के बारे में, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट न्यू जेन एनिमे भी है। सो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आस्था जो कि ब्लैक क्लोवर एनिमे का मेन कैरेक्टर है, जो पैदा होता है क्लोवर किंगडम के एक छोटे से विलेज हेज विलेज में, और वो भी बिना किसी मैजिक पावर के। क्लोवर किंगडम एक ऐसी कंट्री है जो कि डिवाइड है तीन अलग अलग रेल्म्स में, जो कि है रॉयल रेल्म, कॉमन रेल्म और फोरसेकन रेल्म। अब रॉयल रेल्म ऐसा प्लेस है जहाँ पर पे रॉयल फैमिलीज और नोबल फैमिलीज रहती हैं जिनके पास इनसेन अमाउंट ऑफ मैजिक पावर है, और कॉमन रेल्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर पे कॉमनर्स रहते हैं जिनके पास ठीक ठाक अमाउंट में मैजिक पावर है। एंड लास्टली फॉर सेकेंड रेल्म एक ऐसी प्लेस जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास ऑलमोस्ट जीरो अमाउंट ऑफ मैजिक पावर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रॉयल रेल्म और कॉमन रेल्म के लोग फॉर सेकेंड रेल्म के लोगों से नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत, क्योंकि वो उनको खुद से छोटा मानते हैं, बिकॉज यू नो सोसाइटी। अब हेज विलेज में आस्था अपने कुछ दोस्तों के साथ एक चर्च में रहता है और चर्च की देखभाल करते हैं फादर, और वहाँ पर पे सिस्टर लिली भी हैं जो कि वहाँ पे मौजूद बच्चों की देखभाल करती हैं। अब यहाँ पर पे एक और कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस होता है जो कि है यूनो, जो कि आस्था का फ्रेंड भी है और राइवल भी, बिकॉज इन दोनों का सपना सेम है जो कि है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट यानी कि द विजर्ड किंग बनना। जहाँ एक तरफ आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं है, वहीं आस्था के राइवल यूनो के पास क्रेजी अमाउंट में मैजिक पावर है। अब आस्था के पास भले ही बिल्कुल भी मैजिक पावर ना हो, बट उसके पास एक ऐसी चीज है जो कि पूरे क्लोवर किंगडम में किसी के पास नहीं है, वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। इन शॉर्ट आस्था के पास सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं जो कि उसने अनलॉक करी है अपने पोटेंशियल, अपने लिमिट को सरपास करके। अब क्योंकि आस्था को ये बात बहुत पहले ही समझ में आ चुकी थी कि उसके पास मैजिक पावर बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी भी मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा, तो वो बचपन से ही खुद को फिजिकली ट्रेन करना शुरू कर देता है, रातों दिन नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करता रहता है ताकि अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि कोई भी मैजिक उसके ऊपर असर ही ना करे और वो सारे मैजिक को तोड़ करके सामने वाले अपोनेंट को हरा दे। एक तरफ आस्था है जो कि अपनी फिजिकल एबिलिटीज को ट्रेनिंग करके बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूनो है जिसके पास क्रेजी अमाउंट ऑफ मैजिक पावर है और वो स्टिल ट्रेनिंग करके खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर सके और विजर्ड किंग बनने की सफर पे आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्लोवर किंगडम क्या है और विजर्ड किंग क्या होता है। तो अगर हम ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करें तो हमें पता चलता है इस वर्ल्ड में चार किंगडम्स हैं, जो कि है हार्ट किंगडम, स्पेड किंगडम, डायमंड किंगडम और लास्टली क्लोवर किंगडम। और तुमको स्पेड किंगडम और बाकी किंगडम के बीच में एक अलग सी जगह दिख रही होगी जो कि है स्ट्रॉन्ग माना रीजन, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। और आज से तकरीबन 500 साल पहले एक ऐसा टाइम आया था जब पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ चुकी थी एक डीमन की वजह से, मगर लास्टली उस डीमन से लड़ने के लिए एक मेज आगे आता है, मेज मतलब एक मैजिक नाइट, और वो मैजिक नाइट अपनी मैजिक पावर का यूज करके उस डीमन को मार देता है और पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लेता है, और आगे जाकर के वही मैजिक नाइट बनता है पहला विजर्ड किंग। और उसके बाद से क्लोवर किंगडम में आज तक 27 विजर्ड किंग आ चुके हैं, और अभी करेंटली जो 27th विजर्ड किंग है उसका नाम है जूलियस नोवोक्रोनो। और क्लोवर किंगडम के पावर सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे मैजिक नाइट्स हैं जो कि सोल्जर्स की तरह वर्क करते हैं, जिनका मकसद होता है क्लोवर किंगडम को सेफ रखना। और यहाँ पे मैजिक नाइट कैप्टन भी हैं जो कि अपनी अपनी मैजिक नाइट स्वॉर्ड्स को ओन करते हैं या फिर कमांड करते हैं। और मेरी पर्सनल फेवरेट है ब्लैक बुल्स, तुमको आगे पता चल जाएगा कि मेरी पर्सनल फेवरेट ब्लैक बुल क्यों है। तो अब ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स के अंदर जब भी कोई बच्चा 15 साल का हो जाता है तो उसको एक मैजिकल बुक मिलती है, इसका नाम होता है ग्रिमोर। अब ग्रिमोर एक ऐसी बुक होती है जो कि उस बच्चे की पहले से एग्जिस्ट करती हुई मैजिक पावर को और इंक्रीज करती है, एनहांस करती है, और उसके मैजिकल अटैक्स स्पेल्स को भी काफी हद तक इम्प्रूव कर देती है। इन शॉर्ट ग्रिमोर
बहुत ही इम्पोर्टेंट ही होती है। मगर ग्रिमोर का एक रूल ये भी है कि इसको सिर्फ उसका यूजर ही यूज कर सकता है जिसको कि ग्रिमोर ने चूज किया है। अगर कोई और इंसान उस ग्रिमोर को यूज करना चाहेगा तो वो उसको नहीं यूज कर पाएगा, बिकॉज वो ग्रिमोर उसके लिए काम ही नहीं करेगी। और जब आस्था और यूनो 15 साल के हो जाते हैं तो वो भी चल पड़ते हैं अपनी अपनी ग्रिमोर को लेने। तो जब ग्रिमोर लेने की बारी आती है, आस्था को कोई भी ग्रिमोर नहीं मिलती है। लेकिन तभी यूनो के पास एक ग्रिमोर उड़ती हुई आ रही है, और जब यूनो उस ग्रिमोर को पकड़ता है तो वो ग्रिमोर होती है 4-leaf क्लोवर ग्रिमोर। अब ये ग्रिमोर कोई आम ग्रिमोर इसलिए नहीं थी क्योंकि इस ग्रिमोर का जो फर्स्ट यूजर था वो था द फर्स्ट विजर्ड किंग। बिल्कुल सही सुना तुमने, जो फर्स्ट विजर्ड किंग था वो इस ग्रिमोर का पहला यूजर था। अब देखो, यूनो को तो बहुत ही इनसेन, बहुत ही क्रेजी ग्रिमोर मिल चुकी है, बट आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं होती है जिससे कि कोई भी ग्रिमोर उसको सेंस नहीं कर पाती है और ना ही उसको सिलेक्ट करती है। तो वहाँ पे मौजूद एल्डर चीफ बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम अगले साल आ जाना, क्या पता अगले साल तुम्हारी मैजिक पावर थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी ग्रिमोर नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी। और इस बात पे सब आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी आस्था उठता है और बोलता है, तो क्या हुआ, मुझे कोई ग्रिमोर नहीं मिली, मैं अपने फिजिकल एबिलिटीज को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा कि एक दिन विजर्ड किंग बन के दिखाऊंगा। तो आस्था की ये बात सुन के वो सारे लोग और ज्यादा ही हंसने लगते हैं। और मैं तुमको बताता हूँ कि 4-leaf ग्रिमोर का मतलब क्या होता है। तो जो क्लोवर की 4 leaves होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं पहली फेथ को, दूसरी होप को, तीसरी लव को और चौथी लक को। और वहीं एक होती है 5-leaf क्लोवर ग्रिमोर, इसमें 5th leaf शो करती है। रुको जरा, सबर करो, वीडियो में आगे बताएंगे, वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो जैसा कि मैं तुमको बताया कि यूनो को 4-leaf क्लोवर ग्रिमोर मिलती है तो सबके सब चौंक जाते हैं, बिकॉज वो ग्रिमोर एक रॉयल फैमिली के रॉयल ब्लड को बिलोंग करती थी जो कि एक फॉरसेकन रियल्म के एक नॉर्मल से इंसान को मिल गई। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया कि यूनो को काफी रेयर ग्रिमोर मिलती है जो कि होती है 4-leaf क्लोवर ग्रिमोर, जिसकी वजह से यूनो के पीछे एक बंदा पड़ जाता है जिसका नाम होता है रेवची। अब रेवची एक चोर होता है जो कि चाहता था वो यूनो की ग्रिमोर चुरा ले और उसको ब्लैक मार्केट में बेच दे, क्योंकि ग्रिमोर चुराने के बाद वो इसको इस्तेमाल तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो उसका यूजर नहीं है, बट एक 4-leaf क्लोवर ग्रिमोर होने की वजह से इसकी ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। अब देखो, रेवची एक ऐसा मैजिशियन था जो कि चेन मैजिक यूज करता था और उसने उस टाइम पे यूनो को ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। बट इससे पहले कि वो यूनो की ग्रिमोर को चुरा पाता, वहां पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर आस्था की। और आस्था यहाँ पर पे रेवची से लड़ना शुरू कर देता है अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स की मदद से, बट रेवची का चेन मैजिक आस्था को बुरी तरह हरा देता है। और ये वो टाइम था जब आस्था ने पहली बार खुद पर से विश्वास खो दिया था, उसकी सारी होप खत्म हो चुकी थी। ये पहला टाइम था जब आस्था गिव अप करने वाला था, जब ये मूवमेंट चल रहा था ना, आई वॉज लाइक रियली इतनी जल्दी गिव अप कर देगा आस्था। बट नहीं, जब ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म होने वाला होता है तब होता है एक मिरेकल, और आस्था के सामने एक ग्रिमोर आती है जमीन से निकलती हुई, और वो ग्रिमोर होती है 5-leaf क्लोवर ग्रिमोर। जैसे कि मैं तुम्हें कहा कि क्लोवर की हर लीफ कुछ ना कुछ शो करती है, वैसे ही क्लोवर की 5th leaf शो करती है डीमन को। और आस्था को ना सिर्फ 5-leaf क्लोवर ग्रिमोर मिलती है बल्कि आस्था को उसके साथ एक स्वॉर्ड मिलती है जिसका नाम होता है डीमन स्लेयर स्वॉर्ड। अब 5-leaf क्लोवर ग्रिमोर आस्था को पावर देती है एंटी मैजिक की। अब एंटी मैजिक एक ऐसी पावर है जो कि पावरफुल से पावरफुल मैजिक स्पेल्स या फिर मैजिकल अटैक्स को कांटेक्ट में आते ही नेगलेक्ट कर देती है। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? लेकिन एंटी मैजिक एक ब्रोकन पावर होने के साथ साथ उसके यूजर के लिए काफी डेडली भी है, क्योंकि एंटी मैजिक अपने यूजर की मैजिक पावर को भी नेगलेक्ट करती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब यूजर की अल्टीमेटली मैजिक लॉस की वजह से डेथ हो जाती है। बट आज तक वो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज आस्था के पास तो मैजिक पावर ही नहीं है, तो नेगलेक्ट क्या घंटा होगा। और आस्था अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की हेल्प से उस 45 पाउंड की डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को ना सिर्फ आराम से उठा सकता है बल्कि स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज उस स्वॉर्ड को बैटल में स्विंग भी कर सकता है। अब आस्था जो कि अपनी सारी होप्स को छोड़ चुका था और गिव अप करने ही वाला था, बट पावर मिलते ही उसको एक नई रे ऑफ होप दिखती है। उसे अपना विजर्ड किंग बनने का सपना साफ साफ फिर से दिखने लगता है और वो चिल्लाते
वो बोलता है आई एम नॉट डन येट और अपने एंडिंग मैजिक पावर को लेकर के आस्था बैटल फील्ड में वापस उतरता है और रेफची से फाइट करता है। अब रेफची मैजिक यूज कर रहा था और आस्था के पास था एंटी मैजिक और आस्था यहाँ पर पे क्लियर एडवांटेज में था जिसकी वजह से आस्था रेफची को बहुत इजीली हरा देता है और यूनो को और उसकी फोर लीफ क्लोवर ग्रामर को बचा लेता है। और फिर आस्था और यूनो दोनों ही अपनी अपनी नई पावर्स के साथ फिर से ट्रेनिंग में लग जाते हैं बिकॉज उनको प्रेपरेशन करनी होती है मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की और इस एग्जाम के अकॉर्डिंग तुम जैसा परफॉर्म करोगे तुमको उस ही हिसाब से तुम्हारी मैजिक स्क्वाड अपॉइंट होती है। और क्लोवर किंगडम में हमें टोटल 9 टाइप्स ऑफ मैजिक स्क्वाड्स दिखाई गई हैं जो कि हैं गोल्डन डॉन सिल्वर ईगल क्रिम्सन लायन ब्लू रोज कोरल पीकॉक पर्पल ऑर्का एक्वाडियर ग्रीन मैंटिस एंड माय पर्सनल फेवरेट ब्लैक बुल। अब इन सारी स्क्वाड्स में से कुछ स्क्वाड्स पूरे किंगडम में मशहूर हैं, रिस्पेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल गोल्डन डॉन एंड सिल्वर ईगल। तो अब काफी ट्रेनिंग के बाद आस्था और यूनो फाइनली पहुंच जाते हैं मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए और वहां पर पे उनका एग्जाम शुरू होता है जहां पर पे पहले के दो राउंड होते हैं जहां पे मैजिक का यूज करना होता है एंड वी ऑल नो आस्था के पास मैजिक नहीं है तो वो पहले के दो राउंड में हार जाता है। लाइक वो सीरियसली कुछ भी नहीं कर पाता है बट अब मजा आती है बिकॉज अब जो राउंड होने वाला है वो होने वाला है बैटल राउंड एंड वी ऑल नो आस्था का एंटी मैजिक पावर कोई जोक नहीं है। और ऐसा ही होता है जब आस्था की बैटल असाइन होती है हमारे लॉर्ड सेके के साथ तो ये फाइट शुरू होती है। आस्था का अपोनेंट सेके अपनी सारी पावर यूज करता है और अपने ऊपर एक बैरियर के साथ एक अटैकिंग स्पीयर भी बना लेता है बट ये मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है क्योंकि आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड और एंटी मैजिक पावर सेके के पूरे मैजिक को नेगलेक्ट कर देती है और सेके ऑन द स्पॉट वो मैच हार जाता है। और ऐसा सेम होता है यूनो के साथ वो भी सब कुछ क्लियर करता है वो फाइट होती है फाइट भी जीतता है और फिर अब बारी आती है सिलेक्शन की। तो अभी यहाँ पर पे काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन सिलेक्ट करते हैं अपनी टीम के लिए जिनमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं कुछ नहीं होते हैं कुछ नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं। फिर बारी आती है हमारे सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट यूनो की। अब जब जैसे ही हमारा यूनो आगे बढ़ता है तो हमें दिखता है सारे के सारे मैजिक स्क्वाड कैप्टन अपना हाथ ऊपर कर देते हैं उन सबको यूनो चाहिए होता अपने स्क्वाड में। अब यहाँ पर पे यूनो के पास चॉइस होती है कि वह उस 9 स्क्वाड्स में से किसी भी एक स्क्वाड को चूज कर सकता है और यूनो चूज करता है मोस्ट रिस्पेक्टेड और मोस्ट पावरफुल स्क्वाड यानी कि गोल्डन डॉन को। अब यूनो के बाद बारी आती है आस्था की। जैसे ही आस्था आगे बढ़ता है कोई भी मैजिक स्क्वाड कैप्टन अपना हाथ ऊपर नहीं करता है किसी को भी आस्था अपनी स्क्वाड में नहीं चाहिए होता है जो कि एक पॉइंट के लिए सही भी है बिकॉज आस्था के पास मैजिक पावर नहीं है। अब कैप्टन एक ऐसे बंदे को लेकर अपनी स्क्वाड में क्या करेंगे जो कि मैजिक यूज ही नहीं कर सकता है। बट आस्था यहाँ पर अपने टॉकटॉक ग्रुप्स का यूज करता है और बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे अपनी स्क्वाड में ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ मैं कंटिन्यू ट्राई करता रहूंगा एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं तुम सबको सरपास कर दूंगा और बनूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट यानी कि द विजर्ड किंग और तब तुमको पता चलेगा एक ऐसा बंदा जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता है वो कितना पावरफुल हो सकता है। अब आस्था की ये स्पीच सुन करके एक मैजिक नाइट कैप्टन काफी ज्यादा खुश होता है और वो आगे आता है और बोलता है कम ऑन ज्वाइन माय स्क्वाड। अब यहाँ पर ये पहला कैप्टन था ना कि आस्था को अपनी स्क्वाड में इनवाइट किया था और ये कैप्टन और कोई नहीं था ये था यामी सुके हीरो द कैप्टन ऑफ ब्लैक बुल्स। मैंने कहा था ना ब्लैक बुल मेरी फेवरेट स्क्वाड है और फिर आस्था ज्वाइन करता है ब्लैक बुल मैजिक स्क्वाड को और जैसा कि मैंने कहा तुमको कि ब्लैक बुल्स की पूरे किंगडम में कोई भी इज्जत नहीं है लोग उन्हें पूछते भी नहीं है बट धीरे धीरे करके आस्था की वजह से पूरे स्क्वाड में जो चेंजमेंट आता जो कैरेक्टर डेवलपमेंट्स होते हैं इज जस्ट फ्रीकिंग ऑसम। लाइक सीरियसली एक जो हमेशा लास्ट में आती थी वो अपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ को शो करती है और एक टाइम आता है जब वो टॉप पे बैठी होती है सारी स्क्वाड से ऊपर। वेल ये थोड़ा सा स्पॉइलर हो गया बट कोई बात नहीं। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन या फिर स्टार्टर पैक ऑफ ब्लैक क्लोवर एनिमे। तो अब तुम डिसाइड करो तुमको ये एनिमे देखना है या नहीं। वेल अगर तुम मुझसे पूछोगे तुमको ये एनिमे जरूरी देखना चाहिए बिकॉज तुम्हारे दिमाग के पर्दे फट जाएंगे। हाँ दिमाग के पर्दे बस उसको छोड़ो आज की सारी वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।